राजस्थान में विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन थमने के साथ ही अब चुनावी बिसात पूरी तरह से बिछ चुकी है, जहां प्रत्याशी अपने अपने इलाकों में जनता की नब्ज टटोलने के लिए निकल गए हैं। नमस्कार, द नगरी न्यूज के खास कार्यक्रम चुनावी नगरी में आप सभी का स्वागत है। मैं सिद्दीका मनोहर आपके साथ। पिछली कड़ी में हमने बात की थी सपोटरा विधानसभा सीट की, आज हम बात करेंगे लाडनू विधानसभा सीट के बारे में। लाडनू विधानसभा सीट से कांग्रेस ने फिर से एक बार मुकेश भाकर पर अपना दाव खेला है, तो वही बीजेपी ने करणी सिंह को मैदान में उतारा है। लाडनू विधानसभा सीट पर जाट समाज का अच्छा खासा दबदबा माना जाता है। इसके अलावा यहां दलित, मुस्लिम और राजपूत मतदाता भी अच्छी खासी संख्या में है, जो किसी भी प्रत्याशी का चुनावी पासा पलट सकते हैं। इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में सीट पर लगभग 2,67,131 मतदाता है, जो अपने मत का प्रयोग करेंगे। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस सीट पर लगभग 2,36,424 मतदाता थे, जिन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश भाकर को 65,041 वोट देकर जिताया था। तो वही बीजेपी उम्मीदवार मनोज सिंह को 52,094 वोट ही हासिल हो पाए थे और उन्होंने 12,947 वोटों से हार का सामना किया था। बता दें, लाडनू विधानसभा सीट दो नामों की वजह से काफी मशहूर है, एक हरजीराम बुरडक तो दूसरे मनोहर सिंह। 51 साल के अपने सियासी सफर में हरजीराम बुरडक ने कई बार पार्टी बदली और जीत हासिल की। हालांकि बाद में हरजीराम बुरडक कांग्रेस के विश्वस्त नेता बन गए थे। वही अगर मनोहर लाल के राजनीतिक जीवन की बात करें तो आपको बता दें, मनोहर लाल ने 1990 में निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए जीत हासिल की। इसके बाद उन्होंने 2003 में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए फिर से जीत हासिल की। तो वही 2008 के चुनाव में भी वो बीजेपी के टिकट से उतरे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन 2013 में बीजेपी ने उन्हें फिर से टिकट दिया और उन्होंने फिर से जीत हासिल की। हालांकि 2018 में एक बार फिर उन्हें सियासी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। लाडनू विधानसभा सीट के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो यहां से 6 बार कांग्रेस और 2 बार भाजपा ने जीत दर्ज की है, लेकिन इस बार इस सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, इसका फैसला तो जनता ही करेगी। द नगरी न्यूज के खास कार्यक्रम चुनावी नगरी में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली कड़ी में बात करेंगे अगले विधानसभा क्षेत्र की। तब तक के लिए नमस्कार।